मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। अब समाचार विस्तार से। साकेत महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा साकेत महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र के रूप में सौंपी गई आगामी बीएड की 28 केंद्रों की परीक्षा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। 26 अक्टूबर से साकेत महाविद्यालय में 28 स्वामित्व पोषित महाविद्यालयों के बीएड परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र बनाया गया है। यह परीक्षा 23 नवंबर तक चलेगी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं साकेत महाविद्यालय के प्राध्यापक, छात्र नेता व छात्र। अध्यापकों और जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, उनके द्वारा आयोजित की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय द्वारा इस सत्र में लगातार थोपे जा रहे उन परीक्षाओं का विरोध करना है जिनका कोई संबंध महाविद्यालय से, साकेत महाविद्यालय से नहीं है। पिछले 3 महीनों में विश्वविद्यालय द्वारा 28 से 30 कॉलेजेज की परीक्षाएं, कभी LLB, कभी BCA और कभी BEd के नाम पर साकेत महाविद्यालय को थोप दी जा रही हैं, और जिन परीक्षाओं को आयोजित करने के नाते महाविद्यालय की पूरी पठन पाठन की प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है, महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया ध्वस्त हो चुकी है और महाविद्यालय में अब कोई अकादमिक वातावरण नहीं बचा है जिसके लिए मूलतः यह महाविद्यालय जाना जाता है। और साकेत महाविद्यालय में स्किल एंड डेवलपमेंट के आज तक ना कोई कमरा अलॉट है, ना आज तक कोई क्लास चली है, और मेडिवल हिस्ट्री का अभी तक सिलेबस ही नहीं घोषित है। तो ये पढ़ाना चाहते हैं कि व्यापार करना चाहते हैं, ये साबित करें। आखिर प्रोफेसर और टीचर क्या चाहते हैं? वो पढ़ाना चाह रहे हैं ना, उनका मेन उद्देश्य और मेन एम क्या है? कि वो बच्चों को पढ़ाई दें। और बच्चों का मेन उद्देश्य क्या है? कि वो पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं। अभी दीपोत्सव आ जाएगा, उसमें वॉलंटियर्स की जरूरत होगी, तो बच्चों चलो वहाँ पे। दुनिया भर का बीएड का पेपर हो रहा है, जितने भी बाहर के पेपर हो रहे हैं, कॉलेज को सेंटर बनाते हैं जिससे कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। हम लोग का पहला एम पढ़ाई है। अगर मैं आज छात्र नेता हूँ तो मेरा पहला उद्देश्य हमेशा से रहा है कि बच्चे पढ़ाई करें। इनकी पहली यही नीयत होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई करने का मौका दें। और टीचर्स जो जिस लिए इनको सैलरी मिलती है, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझ जाऊँ कि इसकी मैं लड़ाई हमेशा लड़ता था, आज वो टीचर्स पढ़ाना चाह रहे हैं। हमेशा से इन लोग ने पढ़ाना चाहा है। जो नहीं पढ़ाना चाहें वो आज यहाँ नहीं मौजूद हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये एक जेन्युइन मुद्दा है। मैं आप लोग से मदद की अपील करता हूँ, और भी जितने लोग सुन रहे थे, कि कम से कम ये प्रोफेसर्स पढ़ाना चाह रहे हैं, इनकी मांगे पूरी हो। अगर मांग नहीं पूरी होगी तो पूरा छात्र संघ इनके साथ है और कदम से कदम इनके साथ लड़ाई लड़ने को तैयार रहेगा, चाहे हमको आंदोलन करना पड़े, चाहे हमको यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई भी मोर्चा खोलना पड़े, हम तैयार हैं हर तरीके से। इन कार्यों को लेकर पूरा विश्वविद्यालय, जो इस समय पूरे तरह के व्यापारी हो गए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार कर रहे हैं, मैं पूरा जिम्मेदार उन लोग को ठहराना चाहता हूँ, पूरे यूनिवर्सिटी के हर एक मेंबर को, क्योंकि लड़ाई में, क्योंकि मैं हमेशा छात्र हितों में रहा हूं और टीचर्स पढ़ाना चाह रहे हैं, ये हमारे गुरु हैं, हम इन्हीं लोग से शिक्षा प्राप्त करते हैं, इन्हीं वजह से आज शिक्षा प्राप्त करके मैं यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहा हूं। तो इन लोग के साथ मैं पूरी ताकत के साथ रहूंगा हर तरीके से। न सिर्फ साकेत महाविद्यालय बल्कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने अनुदानित महाविद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षा बहाल कराना है। अनुदानित महाविद्यालय परीक्षा केंद्र नहीं है। जो बच्चे जिस अनुदानित महाविद्यालय में हैं वो वहाँ पर परीक्षा दें, जो बच्चे स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में इनरोल्ड होते हैं वो वहाँ पर परीक्षा दें, जिससे शिक्षा का माहौल हमेशा बना रहे, शिक्षा के केंद्र परीक्षा के केंद्र ना रह जाएं। सिर्फ यही एक मुद्दा है हमारे पास। पढ़ाई होनी चाहिए, छात्र हित में हर काम करना चाहिए, विश्वविद्यालय हित में नहीं। वेतन का ऐसा मामला नहीं है, ये पारिश्रमिक का मामला है। जैसे जो भी प्राध्यापक, जो भी कर्मचारी क्लासरूम में जाकर के इन्विजिलेशन ड्यूटी करता है, उसका पारिश्रमिक विश्वविद्यालय उसको देता है। पिछले 3 साल से विश्वविद्यालय ने पारिश्रमिक नहीं दिया है। और साकेत महाविद्यालय की अगर हम बात करें तो करीब 35 लाख रुपए, 35 लाख सिर्फ साकेत का बाकी है। अब एक टीचर जो है अपनी क्लास पढ़ाने के बाद क्लासरूम में ड्यूटी करता है, सुबह से लेकर के शाम तक लगा होता है, और उसको जो नाम मात्र का पारिश्रमिक है वो भी नहीं मिलता, ये कितना हास्यास्पद है। क्या एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर अपने पारिश्रमिक के लिए आंदोलन करे? ये तो बिल्कुल उचित नहीं है।
विश्वविद्यालय पूरी तरीके से मनमानी पर उतारू है। मनमानी का तो आलम यह है, अभी आपको आभास जी बताएंगे, पिछले 2 सालों से